नमस्कार दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रमन किस प्रदेश का त्यौहार है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। रमन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का त्यौहार है जो चमोली जिले के सलोर डूंगरा गांव में मनाया जाता है। त्यौहार और नामित कला रूप गांव देवता भूमिया देवता को एक भेंट के रूप में आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप फिर से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। सबरीमाला किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। सबरीमाला एक हिंदू धर्म स्थान है जो केरल में पथनामथिट्टा जिले में पेरूर ग्राम पंचायत में है। यह पश्चिमी घाट पर पेरियार टाइगर रिजर्व में है। आप एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया? ऑप्शन सॉरी एक कमल, दो कलश, तीन अलंकरण। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक दो और तीन। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी एक दो और तीन, कमल कलश अलंकरण तीनों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। थीपूसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी मलयालम। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिल। थीपुसम त्यौहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्यौहार है। यह तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरीशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। भारतीय गायक और नर्तकियां सारक नारो तारोन लारी फिल्म समारोह में पारंपरिक प्रतिभागी जो में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए बुखारा, ऑप्शन बी समरकंद, ऑप्शन सी आस्ताना, ऑप्शन डी बिश्केक। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, समरकंद। अगला क्वेश्चन, मेघदूतम की रचना किसने की? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी कालिदास। मेघदूतम संस्कृत की प्रसिद्ध रचना है, इसकी रचना कालिदास ने की। अगला क्वेश्चन, प्राग ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। प्राग ज्योतिष असम का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा? ऑप्शन ए नजरुल इस्लाम, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अनिसुर रहमान, ऑप्शन डी शांति देव घोष। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला और श्रीलंका के राष्ट्रगान श्रीलंका माता की रचना भी की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप फिर से पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर, ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? ऑप्शन ए 3 स्थानों पर प्रत्येक 4 वर्ष में, 4 स्थानों पर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 3 वर्ष में, ऑप्शन सी 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में, ऑप्शन डी 4 स्थानों पर प्रत्येक 4 वर्ष में। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। एक एक प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, दो उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे, तीन नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, चार हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो पूरे हुए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। आप रिवाइज करते रहिए इन क्वेश्चनों को, बार बार देखते रहिए
और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।